हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका संस्कृत का टर्न है, तो निकालिए अपनी संस्कृत की बुक संस्कृत सागर पार्ट 3 और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। फिफ्थ क्लास पेज नंबर 13 पर आपका चैप्टर नंबर 3 है करण कारकम यानी इंस्ट्रूमेंटल केस। बच्चों आपने हिंदी में भी कारक पढ़े हैं, तो कारक जो नंबर 3 होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, जो ये करण से होता है, ये कारक होता है वो जिस चीज की मदद से आप काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं हाथों से खाना बना रही हूँ, तो काम किसकी मदद से हो रहा है? हाथों की मदद से। तो ये शब्द जिनके मदद से काम किया जा रहा है, जिनके द्वारा काम किया जा रहा है, वो करण कारक के अंदर आते हैं। इसी तरीके से बच्चों संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में तो हम से लगा देते हैं, मैं हाथों से खाना बनाती हूँ। संस्कृत में हम ये वर्ड नहीं यूज करते, संस्कृत में हम विभक्तियां यूज करते हैं। तो क्योंकि ये तीसरा कारक है, तो जो ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा काम किया जाता है, उन्हें करण कारक कहते हैं, और उनमें हम संस्कृत की तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना है किसी के साथ से या के द्वारा लिखना है, तो हम जैसे हाथों से, तो सह हस्ताभ्याम कार्यम करोति, वह हाथों से कार्य करती है। तो ये हस्ताभ्याम जो आया है, ये तृतीय विभक्ति है। तो बच्चों ये आपकी विभक्तियां पेज नंबर 15 पर आपके इसी चैप्टर में दी हुई हैं कि पुल्लिंग अगर है तो एक वचन के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, तीसरे मतलब करण कारक के साथ क्या विभक्ति लगती है, द्विवचन में और बहुवचन में। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में भी दिया हुआ है, जो तीसरी विभक्ति है वो किस किस तरीके से लगती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और तीनों के वचन, तीनों वचन में दी हुई है। तो ये टेबल आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में बनाएंगे इस चैप्टर की हेडिंग डालकर, और ये लर्न करेंगे, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर। भक्त है ईशम भजति, भक्त जो है वो ईश्वर को भजता है, यानी ईश्वर की पूजा करता है। सह ईशम ध्यानेन भजति, वह ईश्वर को ध्यान से भजता है। तो कैसे भज रहा है? ध्यान से। तो कैसे भज रहा है वो? ध्यान से। तो यहाँ ध्यान जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? करण कारक, इसीलिए इसके साथ तृतीय विभक्ति लगाई है, नपुंसक लिंग है, इसीलिए हमने लिखा ध्याने। सह कर्णाभ्याम भजनम श्रणोति, वह कानों से भजन सुनता है। तो किसकी मदद से? कानों से। तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति लगी है। नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, नेत्रों से या आंखों से चित्र देखता है। तो किससे? नेत्रों से या आंखों से। तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति। मुखेन भजनम गायति, मुख से भजन गाता है, मुंह से। तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति लगी है। आगे एषः राकेश अस्ति, यह राकेश है। सह पादाभ्याम चलति, वह पैरों से चलता है। तो किसके द्वारा? पैरों से। यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति। जो भी बच्चों तृतीय विभक्ति है, मैंने वहां अंडरलाइन कर दिया है, जिससे आप समझे कि ये कौन सा लिंग था, उसके हिसाब से आप अपने इस चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करें कि यहाँ तृतीय विभक्ति किस तरीके से लग रही है, और आप भी इसे याद करें। हस्ताभ्याम कार्यम करोति, हाथों से कार्य करता है। कर्णाभ्याम श्रणोति, कानों से सुनता है। नेत्राभ्याम पश्यति, आंखों से देखता है। नासिकया जिघ्रति, नाक से सूंघता है। मुखेन पकवानम मिष्ठानम च खादति, मुंह से पकवान और मिठाइयां खाता है। तो यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम्स आपकी तृतीय विभक्ति लगी है, जहाँ के द्वारा या से आना था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। रमा किम करोति, रमा क्या करती है? रमा पत्रम लिखती, रमा पत्र लिखती है। सा केन पत्रम लिखती, वह किससे पत्र लिखती है? सा कलमेन पत्रम लिखती, वह कलम से पत्र लिखती है। बालिका कलमह पत्राणि लिखन्ति, बालिकाएं कलम से पत्र लिखती हैं। तो यहाँ तीन बार बच्चों तृतीय विभक्ति आई है, से या के द्वारा लगकर, तो इसे भी आप रीड करेंगे। एक है वृक्ष है लताया युक्त अस्ति, एक वृक्ष लताएं यानी बेल से युक्त है। अनेका वृक्षा लता भी युक्ता सन्ति,
अनेक वृक्षा यानी बहुत सारे वृक्ष लताओं से युक्त हैं। किससे? लताओं से। तो लता स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर लता भी लगाए, बहुत सारी लताएं हैं तो यहाँ पर बहुवचन लगाए तो लता भी लगेगा बच्चों। लता पुष्प है युक्ता संति, लता पुष्पों से युक्त है, पुष्पों मतलब फूलों से युक्त है या फूलों से भरी हुई है। मालाकार है उपवनम जलेन सिंचति, माली उपवन को जल से सींचता है, तो जल से, जल के द्वारा, तो यहाँ तृतीय विभक्ति। कृषक क्षेत्रम हलेन कृषति, तो कृषक मतलब जो किसान होता है, किसान खेत को हल से जोतता है। तो बच्चों यहाँ पर इन पूरे पैराग्राफ में पांच बार तृतीय विभक्ति आई है, जिसमें कि लता जो था ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुष्प पुल्लिंग शब्द है, और जल और हल दोनों नपुंसकलिंग शब्द हैं। जिस पहला जो लता था वहां एकवचन यूज हुआ, दूसरा लता भी में बहुवचन यूज हुआ, पुष्प में बहुवचन यूज हुआ, जलेन और हलेन में एकवचन यूज हुआ। अब पढ़ते हैं बच्चों लास्ट पैराग्राफ। मनुष्य द्वाभ्याम पादाभ्याम चलती, मनुष्य दोनों पैरों से चलता है। अश्व है चतुर्भी पाद है चलती धावती च, जो घोड़ा है वो चार पैरों से चलता और दौड़ता है। मनुष्य है अश्वम प्रग्रहेन सच्चालयति, मनुष्य अश्व को लगाम से संचालित करता है, या मनुष्य घोड़े को लगाम से संचालित करता है। तो यहाँ पर बच्चों तीन बार तृतीय विभक्ति आई, ये तीनों ही करण कारक हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आप दोबारा कई बार रीड करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। नोटबुक में केवल आप वर्ड मीनिंग करेंगे, एक वन साइड आप संस्कृत वर्ड लिखेंगे और दूसरी साइड आप लिखेंगे हिंदी वर्ड। उसके बाद नोटबुक में आप ये जो टेबल दी हुई है ब्लू कलर वाली, तीनों लिंगों में कारक करण कारक के रूप ये लिखेंगे, आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। एंड देन आप जो प्रश्न उत्तर है केवल ख पार्ट जो है वो आप नोटबुक में करेंगे, बाकी सारा वर्क आप बुक में ही करेंगे, प्रश्न उत्तर बुक में भी करेंगे आप। तो बच्चों ये सारा वर्क करें आप अपनी नोटबुक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।